मौका मिला है। मैं मऊ जिले के मऊ नगर के और यहाँ जो हमारे नगर के निकायों के जो हमारे प्रतिनिधि जो भी यहाँ खड़े हो उन सबको मैं सावधान कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे नगर निकाय के चुनाव होंगे। नगर निकायों के चुनाव में आपने ऐसे लोगों को देखा है, परखा है, उनके काम देखा है कि जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से उन निकायों पे शासन कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, सड़कें क्यों खुदी रहती हैं, सड़कों में क्यों गड्ढा रहता है, नालियां क्यों बजबजा रही हैं गंदे से मैले से, इसलिए कि उन पैसों का जो सरकार उनको फंड देती है, जो राजस्व आता है उनका अपना नगर पालिका का, उन पैसों का दुरुपयोग होता है। पूरा पैसा वो लोग डकार जाते हैं, पूरा का पूरा पैसा वो लोग खा जाते हैं मित्रों। इसलिए ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अब सरकार उन निकायों को पैसा नहीं दे रही है। मैं निकाय का नाम लिए बिना तमाम निकायों की मैं दशा देख रहा हूं। मैं वहां खुद खड़ा रह करके नालियों की सफाई करवा रहा हूं, डेंगू हो रहा है उनकी वजह से, हमारे संचारी रोग फैल रहे हैं उनकी वजह से। मैं उन नालियों की सफाई अपने हाजिरी में करवाता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई कोई कारण नहीं है कि हमारी नालियां जो है वो गंदगी से बदबदाती रहे, कोई कारण नहीं है कि मच्छर और मक्खी का साम्राज्य इस तरह से फैलता रहे, कोई कारण नहीं है कि वहां कुत्ते और सुअर जो है हमारे आसपास घर के आसपास घूमते रहे गंदगी में। कारण ये है, कारण उसका ये है कि हमने सही लोगों को सही कुर्सियों पे नहीं बैठाया है। और इसीलिए मैं यूं मान लीजिए कि नगर निकाय के चुनाव में अभी तक मैं पहले इस विषय पे कहीं बोला नहीं हूं, यूं मान लीजिए कि नगर निकाय के चुनाव की शुरुआत में यहां मैं उसे कर रहा हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बार कमर कस करके इस बार ये गलती मत करना, गलत लोगों को नगर निकायों में सत्ता मत देना। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, आप जैसे हमारे भाइयों बहनों की जिम्मेदारी है, वोटरों की जिम्मेदारी है। अगर आप गलत हाथों में सत्ता देंगे तो उसका परिणाम गलत आना ही आना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की जो ने जो विकास की राह दिखाई है, हम सबको राह दिखाई है, और हम सब जो जीज अभी मैं यहाँ आते आते सड़कों के डिवाइडर पे पौधे लगवाने का काम करके आ रहा हूँ। वृक्ष लगाने से हमें क्या मिलना है, एके शर्मा को क्या मिलना, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई साहब ये वृक्ष बड़ा होगा, आज नगर की शोभा में, बड़ा गांव की शोभा में, सुंदरता में वृद्धि करेगा, हम आप उसको याद करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित होंगी। तो इस तरह का काम जो आज हम कर रहे हैं उसका यश हमें नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उसका आनंद उठाएंगी, उसके उसके वातावरण से वो लाभान्वित होंगी। इस तरह के कार्य हमें करने हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो भी उम्मीदें हैं वो पूरी की जाएंगी, आपकी उम्मीदों से ज्यादा काम होगा। मैं तो ये कहता हूं, मैं अपने गांव के कल लोगों को बोल रहा था, हमारे गांव के कल मैं शाम को जैसे ही पहुंचा तो हमारे कुछ युवा साथी जिनके साथ मैं खेला करता था वो लोग इकट्ठे हुए, उन हमसे भी युवा लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे भैया कुछ काम और बाकी है, काफी काम आपने किया है लेकिन आप कहें तो हम लोग उसकी लिस्ट बनाए। हमने कहा बिल्कुल बनाओ। तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई और वो बात मैं मऊ के लोगों को ही नहीं बल्कि मऊ के पूरे जिले के लोगों को मैं कह रहा हूं। इतना ही नहीं, मैं तो यूं कहूंगा पूर्वांचल के लोग भी यहां इकट्ठे हो तो मैं उनको भी कह रहा हूं कि आज हमारा पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा रह गया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों के प्रयास से, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी भी जब यहां इधर आए थे 2014 में 2019 के चुनाव में तो उन्होंने भी कहा कि वो भी कहा के गए थे कि हमें पूर्वांचल को एक विकसित क्षेत्र बनाना है। उसी मंशा से हम लोग काम कर रहे हैं, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि इस पूर्वांचल को, इस मऊ को बहुत ही विकास की ऊंचाइयों तक ले जाना है, ये हम लोगों का संकल्प है। आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना, हमारे साथ एक बार फिर बोलेंगे।